ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हमारे प्रिय दर्शकों को वेद पंडित का नमस्कार। हमारे चैनल चमकती किस्मत में आपका स्वागत है। हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारियां और उपाय बताते हैं, जिससे आप सभी दर्शकों को लाभ मिलता है। हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी दर्शक हमेशा खुश रहें और आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हम माँ गर्जिया देवी जी से आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और भरपूर मात्रा में आपके घर में धन का आगमन होता रहेगा। अगर घर में आपस में तालमेल नहीं बैठता है और भाई बहन और सास बहू में या पति पत्नी या बच्चों में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होती है और घर में क्लेश होता है, तो उपाय आप करें, इसमें आपको शीघ्र ही इससे लाभ मिलेगा। अगर घर में धन की कमी रहती है, आमदनी कम होती है और खर्चा ज़्यादा होता है और इससे हमेशा ही घर में छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तनाव उत्पन्न होता है, तो हमारे उपाय से आपको जरूर लाभ मिलेगा। हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिए। अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। अगर आपके घर में हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और घर में कलह रहती है, तो घर में सुख शांति के लिए आपको एक टोटका करना चाहिए। आप किसी भी रविवार को मिट्टी के एक पात्र में कुछ लकड़ी के कोयले जलाकर बिल्कुल सुर्ख लाल कर लें और फिर कबूतर की सूखी हुई बीट उसमें डालकर उसको प्रत्येक कमरे में ले जाकर घुमाएं और उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में आपसी तालमेल और प्यार बढ़ेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। ऐसा आप प्रत्येक रविवार को करें। अगर घर में धन का अभाव है और इससे आपका खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप ये सरल टोटका जरूर करें। आमदनी बढ़ेगी और घर में धन की भरपूर मात्रा में धन आने लगेगा। आप किसी शनिवार के शाम ये टोटका शुरू कर सकते हैं। आप साबुत काले उड़द के दो दाने ले लें और इस पर थोड़ा सा दही और सिंदूर डाल लें। इसके बाद आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे डाल आएं। ये ध्यान रखें कि शनिवार के अलावा आप किसी और दिन पीपल के वृक्ष को न छुएं और ये टोटका करने के बाद आप पीछे मुड़कर भी नहीं देखें। अगर आप ऐसा देखते हैं तो आपको इससे हानि पहुंच सकती है। इस टोटके को आप लगातार 31 दिन तक करते रहें और आपको इसका लाभ बुध पर खुद दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकते के साथ देखते रहिए। जय माता दी। धन्यवाद।